जनवरी में हमने एक डिफरेंट ब्रांड ट्राई किया था जिसका नाम था मेलरा। उसकी अगर हम आउटर पैकेजिंग देखेंगे तो काफी वर्ल्ड क्लास थी, विद अ पाउच एंड एवरीथिंग सीम्ड सो नाइस। बट डिसअपॉइंटिंग पार्ट ये था कि जो हमारा एग्जैक्ट प्रोडक्ट था, जो हमारा कॉइन था, वो आया था इस प्लास्टिक के बैग में। इससे हम थोड़े से निराश हो गए थे। तो इसी को देखते देखते अब हमने फिर से मेलरा का एक और प्रोडक्ट ऑर्डर करा है जो शायद एक डिफरेंट डिनोमिनेशन का है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अनबॉक्सिंग में आगे बढ़ने से पहले, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। तो लास्ट टाइम हमने जैसे बताया था कि जनवरी 2022 में हमने मेलरा का एक गोल्ड कॉइन खरीदा था विद अ ब्यूटीफुल बॉक्स। इस टाइम यहां पर एक परचेस है जो मेरे रिलेटिव की है, जो हमने 30th of April को खरीदा था। इसकी डिलीवरी हमें मिल गई थी 11th of May को एंड हमने ये आज ही उसे खरीदा था। अप्रॉक्सीमेटली 11 डेज लगे थे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया ईकॉम एक्सप्रेस, जिसमें OTP बेस्ड डिलीवरी थी। तो इस बार हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स आया है एज कम्पेयर टू अ स्क्वेयर बॉक्स। सो लेट अस सी डिफरेंस क्या है। डोंट एक्सेप्ट इफ सील इज ओपन्ड। सील जो है पहले से ओपन्ड है। आई हैव एवरीथिंग ऑन वीडियो। मेलरा की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है श्रद्धा कपूर। एवरीडे फाइन ज्वेलरी एक कार्ड है। यूज कोड एप 1000 गेट 1000 ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेस। बीआईएस हॉलमार्क और लाइफ टाइम एक्सचेंज के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। Let's open this up and see कैसे है। Oh, we have a certi card this time। इस बार हमारा जो गोल्ड कॉइन आया है वो एक certi card में आया है। पैकेजिंग तो अभी भी इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। इट्स प्रीटी टॉप नॉच। एंड what do we have here? ऊपर गोल्ड कॉइन, दिस इज 2 ग्राम कॉइन एंड ये रहा विद लक्ष्मी जी। मेलरा का यहाँ पे लोगो है। certi card looks nice यार, पिछले बार भी दे देते तो क्या जाता। दिस गोल्ड कॉइन इज स्पेशली मिंटेड बाय मेलरा विद प्रिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स वेट एंड क्वालिटी। सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी है ये आपका। द प्रोडक्ट इटसेल्फ, मेलरा का लोगो, वेट 2 ग्राम, गोल्ड कॉइन प्योरिटी 24 कैरेट, जो कि फाइनेस आपका आता है 999 में, और आपका टॉलरेंस वेट या वेट टॉलरेंस देखोगे तो प्लस माइनस 0.02 ग्राम्स, इसका मतलब 20 mg का इसमें वेट टॉलरेंस है। एज ए सर्टिफाइड, बेसिकली इन्होंने खुद बनाया तो एक तरीके से सेल्फ सर्टिफाइड ही हो गया। बीएस हॉलमार्क है कि नहीं वो आगे डिस्कस कर लेंगे। सर्टी कार्ड टेम्पर प्रूफ है कि नहीं, इसके लिए बहुत ही कम वेयर एंड टेयर के साइंस है। यहाँ देख सकते हो गोल्ड कॉइन के पास थोड़ा थोड़ा चिप ऑफ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, लेकिन आगे इट्स नॉट विजिबल एट ऑल, सो इट्स काइंड ऑफ ओके। द बेस्ट पार्ट इस कि इस बार सर्टी कार्ड आया है। ये रहा हमारा 2 ग्राम का गोल्ड कॉइन बाय मेलरा। आप देख सकते हैं डिजाइन लुक्स प्रीटी नाइस। ये आपका फ्रॉस्टेड गोल्ड से लक्ष्मी जी बनी है। यस, बैकग्राउंड में थोड़ा से स्क्रैचेस टाइप्स हैं, बट सिंस हमें ये ध्यान देना है कि ये ब्रांड जो है मोस्टली ज्वेलरी में फोकस करता है, जो ब्रांड्स पूरा एंटायरली ज्वेलरी पे फोकस करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अपने कॉइन्स एंड बार्स को या बुलियन सेगमेंट को बहुत ज़्यादा चमका के रखें। तो यस, कीप लेस एक्सपेक्टेशंस। इफ यू आर पेइंग लेस देन ओके, इफ यू आर पेइंग मोर देन यू हैव द राइट टू हैव मोर एक्सपेक्टेशंस। तो ओवरऑल लुक्स प्रीटी नाइस। आपका फ्रॉस्टेड गोल्ड और शाइनी गोल्ड यू कैन सी इन द बैकग्राउंड। फिर आपका ये रहा बॉर्डर, इट लुक्स फाइन एज वेल। एंड एजेस अगर हम देखेंगे 2 ग्राम के हिसाब से इट्स थिन, क्योंकि बहुत बड़ा कॉइन है, मैं ऑब्जर्व कर रहा था यही। एंड एजेस परफेक्ट है, सही है, नॉट बैड। रिवर्स साइड में अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर आपका प्योर गोल्ड 999 फाइनेस, मेलरा का लोगो 2 ग्राम्स और नीचे मेलरा लिखा हुआ है। और इसका जो पीछे बॉर्डर्स हैं, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये लाइंस लाइंस बनी हुई हैं, ये हॉलमार्क नहीं है। तो जो लोग पूछते हैं कि इस पे BIS हॉलमार्क है कि नहीं, नहीं इस पे BIS हॉलमार्क नहीं है, क्योंकि सिक्कों पे कॉइन्स बार सिल्वर के हों या गोल्ड के, इन पे हॉलमार्क करवाना कंपलसरी नहीं है। मेलरा के जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनका वेट टॉलरेंस है 20 mg, तो डिफ्लेक्शन आ सकता है ऊपर या नीचे। लेट्स टेस्ट द 1 ग्राम कॉइन। तो ये हमें 1.01 शो कर रहा है। अगर आपको डाउट होता है कि इसमें है भी कि नहीं इतना, तो एक और बार ट्राई कर सकते हो एंड यू आर गेटिंग 1 ग्राम। सो बेसिकली ये है कि आपका प्रोडक्ट 1 ग्राम से कम तो नहीं निकला है, ज्यादा ही निकला है, या जितना मेंशन है उतना ही निकला है। सिमिलरली अब इस 2 ग्राम के गोल्ड कॉइन की बारी। तो यहाँ आप देख रहे हो इसका वेट जो था 2.02 से जाके सीधा नीचे 2 पे आया है। एक और बार ट्राई कर लेते हैं। सेम चीज आप देख सकते हो, 2.02 से जाके वापस 2 ग्राम्स पे आ गया। 1 ग्राम और 2 ग्राम में साइज का कितना डिफरेंस है ये आप सामने ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड रिवर्स में ये कुछ ऐसा दिखता है। बेस्ट पार्ट यही होता है कि आपका जितना बड़ा कॉइन होगा उतने में आपको जो डिजाइन है वो ज्यादा क्लियरली दिखेगा, छोटे वाले में आपको थोड़ा मफल्ड अप लगता है। सो यस, दैट्स द डिफरेंस हियर।
प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, ये हमने आजियो से खरीदा था, तो इसमें इस बार हमें सिर्फ आजियो की इनवॉइस मिली है। लास्ट टाइम आई थिंक मिलरा की इनवॉइस थी। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट की डिटेल्स देख सकते हो, 2 ग्राम लक्ष्मी का गोल्ड कॉइन, एंड जो प्राइसिंग थी ओवरऑल वो थी अराउंड 10,951 रुपीज इंक्लूडिंग GST, लेकिन यहाँ डिस्काउंट देख सकते हो 1,000 रुपए का। इसका मतलब है कि क्रेडिट कार्ड की शायद सेल चल रही थी तो उसमें हमें 1,000 रुपए ऑफ मिल गया। अगर आप लोगों को ऐसी कोई अपडेट्स और डील्स मिस नहीं करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में हर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो हमारा जो फाइनल प्राइस था आ रहा था 9951, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पर ग्राम पड़ा 4975। और अगर हम इब्जा का गोल्ड प्राइस देखेंगे एस्टीमेट के लिए फॉर 30th of April, तो उसके आसपास हमें मिल रहा था अराउंड 5150 से लेके 5200 रुपीज पर ग्राम, और इसके ऊपर जीएसटी और मेकिंग अलग। सो बेसिकली आपने सिर्फ 5,000 रुपए पे किए हैं, इसमें आपका जीएसटी मेकिंग सब कुछ देखो आपके सामने है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ बाइंग गोल्ड कॉइन्स या जो भी आपका मेटल्स है ड्यूरिंग सेल्स या क्रेडिट कार्ड ऑफर्स। इसके अलावा हमें एक प्रोडक्ट क्वालिटी चेकलिस्ट भी मिली है, काफी जेनरिक होती है। यहाँ पर मेंशन हो रखा है कि फिजिकल इंस्पेक्शन बॉक्स की हुई थी, पैकेजिंग बॉक्स ओके है, डेट देखो 8th of May का है, हमने 30th of April को किया था, 11 डेज प्रोसेसिंग थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। मेटल प्योरिटी 24 कैरेट, और इनका जो ब्रांड का नाम है ऑगस्ट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड आई बिलीव, वो उनका यहाँ पे एक स्टैंप लग रखा है। डिनोमिनेशन की बात कर लेते हैं कि आपको मिलरा के जो गोल्ड कॉइन्स है कौन से वेट और कौन से प्योरिटी में मिलता है, तो ये आपको 1 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक के ऑप्शन मिल जाते हैं, 22 कैरेट 916 फाइनेस और 24 कैरेट 999 फाइनेस में। डिजाइन की अगर हम बात करें तो इनके पास सिर्फ एक ही डिजाइन अवेलेबल है, एंड दैट इज लक्ष्मी जी। अनफॉर्चुनेटली मिलरा जो है वो गोल्ड कॉइन्स का अपना बायबैक नहीं करता है। थोड़ा सा मिलरा के बारे में आपको बताता हूँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ये जो है 2015 में फाउंड हुए थे, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो चुके हैं। इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो है बैंगलोर में, दैट इज इन कर्नाटका, एंड ये एक BIS लाइसेंस ज्वेलर हैं। आप इनके वेबसाइट पे देख सकते हो और BIS के वेबसाइट पे भी देख सकते हो। कॉइन्स एंड बार्स के अलावा ये लोग 18 कैरेट और 22 कैरेट की ज्वेलरी और डायमंड्स भी बेचते हैं। ऑफलाइन अगर आप मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो 6 सिटीज में इनके स्टोर्स हैं। मैंने इन लोगों की ज्वेलरी भी ट्राई नहीं करी, बिकॉज जब मैं इनका प्राइस कंपैरिजन कर रहा था विद सम अदर ब्रांड्स, तो मैंने देखा कि इनके मेकिंग चार्जेस बहुत हाई हैं, और उसके बाद 20% डिस्काउंट भी लिख रखा है इन्होंने मेकिंग पे, उसके बाद भी मेकिंग चार्जेस बहुत हाई थे, और इसलिए मैंने अभी तक इनका कुछ और प्रोडक्ट खरीदा नहीं है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने 2 टाइप की पैकेजिंग देख ली है, एक में ये स्क्वायर बॉक्स, एक में रेक्टेंगल बॉक्स, एक में ये प्लास्टिक सा पाउच, और एक में हमने सर्टी कार्ड भी देख लिया है। तो अगर आप मिलरा से खरीदना चाहते हैं तो अब आपके पास एक दिमाग में इमेज बन सकती है कि मे बी जो हैवी डिनोमिनेशन के कॉइन्स होते हैं उनमें ये लोग सर्टी कार्ड डाल के दे रहे हैं, और जो मे बी स्मॉल डिनोमिनेशन के हैं उन पे इन लोगों ने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। इवन दो पैकेजिंग तो टॉप नॉच थी। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें अपने थॉट्स अबाउट द ब्रांड मिलरा, आपने कभी परचेज करा है ज्वेलरी सेगमेंट में, इफ सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस, या फिर लोकल मार्केट में जाके खरीदा है फ्रॉम मिलरा, लेट मी नो बाय कमेंटिंग। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। सो इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।